यहाँ से ऐसे चढ़ेंगे ऐसे करके और ये ये ऐसे करके लेट गए ये एक आदमी के लेटने का हो गया अभी उठे कोई कोई डायरेक्ट सीढ़ी से उतर मैं जंप कर देता हूँ नीचे सीधा मैं जंप कर देता हूँ और एक आदमी के लिए यहाँ पे गए नीचे अस्सलाम वालेकुम ये है मेरा रूम आज मैं जो आप लोगों को दिखा रहा हूँ ये मेरा रूम है मैं कहाँ रहता हूँ मेरा रूम कितना बड़ा है कितने लोग रहते हैं मेरे रूम में क्या क्या सिस्टम है रहने लायक है कि नहीं है क्या सिस्टम है क्या नहीं तो आप लोगों को देख के जानकारी हो जाएगी जो लोग आना चाहते हैं उनको काफ़ी जानकारी हो जाएगी कि यार कोवेत में रूम कैसा मिलता है और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात ज़रूरी नहीं है कि सबको ऐसा रूम मिले ठीक है ज़रूरी नहीं है किसी को इससे बेहतर भी मिल सकता है किसी को इससे बेकार भी मिल सकता है तो ये डिपेंड करता है आओ वीडियो शुरू करते हैं और वीडियो पूरा देखना पसंद आए तो मेरा चैनल है सब्सक्राइब करके ज्वाइन हो जाओ मैं गल्फ से रिलेटेड और जानकारियां लाते रहता हूं अपने चैनल कितने इंसान हैं कितने इंसान मैं देखा हूँ पे तीस तीस साल हो गए साल और रूम कैसा है कि सिर्फ एक बेड डालने की जगह है मतलब वो इंसान अपनी जिंदगी अपनी जिंदगी के तीस साल एक बेड में इतने छोटे से कमरे में निकाल दिया किसके लिए अपनी फैमिली बच्चों के लिए मैं एग्जाम्पल से बता रहा हूँ मैं खुद देखा हूँ मेरे साथ में एक बांग्लादेश का बावरची है वो यहाँ नीचे लेटता है अपनी जिंदगी के सत्रह से अठारह साल दे दिया उसने ये जिन... ये बेड है उसका सत्रह से अठारह साल गुजर गए ये बेड है तीन साल में तीन महीने की छुट्टी जाता है बंदा तीन साल में तीन महीने की छुट्टी उसके बाद आता है फिर यही बेड फिर यही जिंदगी तो यहाँ पे लोग इतने से कमरे में अपनी जिंदगी के बीस बीस तीस तीस साल निकाल देते हैं इसीलिए मैं ये कमरा दिखा रहा हूँ कि ये कमरा कैसा होता है ठीक है आओ वीडियो शुरू करते हैं ये ऊपर एक आदमी के लिए एक आदमी के लिए नीचे दो आदमी रहते हैं मेरे रूम में और यहाँ पे थोड़ी सी जगह है नीचे मैं अभी आगे वीडियो में दिखाता हूँ यहाँ पे ये डबल बेड है मतलब जो डबल रहता है बेड वो है एक आदमी यहाँ पे लेटेगा ऊपर ये सीढ़ी से चढ़ के एक दो ये सीढ़ी से चढ़ के ऊपर जाएगा एक आदमी एक आदमी यहाँ नीचे लेटेगा और यहाँ पे थोड़ी सी जगह है मतलब चार आदमी तकरीबन बैठ सकते हैं ये इतना बड़ा रूम है मैं पूरा डिटेल में दिखाता हूँ अच्छे से यहाँ पे मैं लेटता हूँ यहाँ पे नीचे एक बावर्ची रहता है यहाँ पे बांग्लादेश का वो लेटता है वो बावची जो बांग्लादेश का है वो तकरीबन सत्रह से अठारह साल हो गए वो बंदा ये जगह में अपनी जिंदगी का सत्रह अठारह साल निकाल दिया अभी मैं अपना रूम दिखा रहा हूँ कायदे से ये कचड़े का डब्बा है यहाँ पे कचड़ा डालते हैं ये दरवाज़ा है आने जाने का ये कचड़े का डब्बा है और यहाँ पे लेटने का तो दिखा चुका हूँ मैं ये नीचे थोड़ी सी जगह है जो पता है ना मैं नीचे जगह है थोड़ी सी ये नीचे जगह ये टेबल है यहाँ पे मैं लैपटॉप रखा है यहाँ पर कभी बैठ के मैं कुछ काम करता हूँ यूट्यूब का अपना जो भी सिस्टम है उसके बाद ये ये मेरा उतारे हुए कपड़े डालने के लिए ये उतारे हुए कपड़े डालने के लिए ये पीछे ए सी लगा है ये ए सी लगा है पीछे और यहाँ पे ये कुछ अलमारियाँ हैं तीन अलमारियाँ हैं तकरीबन इसमें छोटी मोटी चीज़ें रखी हैं जैसे इसके अंदर जो एक्स्ट्रा सामान है वो रखा है प्रेस रखा है फ्रेश एयर फ्रेशनर रखा है और ये कांच लगा है ये कांच है ये नॉर्मल सी चीज़ें हैं खुशबू के लिए क्योंकि अरब क्योंकि अरब में खुशबू की बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है एक गुलाब रखे हैं सूख गए हैं एक कंगा है और एक ये भी टेबल है इसके अंदर कुछ सूज रखे हैं और ये नॉर्मल सी चीज़ें होती हैं जो ये कांच है इतना बड़ा और ये यहाँ पे मेरा टॉवेल टंगा है यहाँ से मैं चढ़ के ऊपर जाता हूँ यहाँ पे लेटता हूँ और यहाँ पे मेरी चीज़ें पड़ी रहती हैं बस यही और ये यह देखो लाइट का इंतज़ाम क्या है लाइट का सबसे बड़ा इंतज़ाम दिखाता हूँ थोड़ा सा रिस्क भी है लेकिन सेफ्टी के साथ ये प्लग है बेड के नज़दीक नहीं है तो ये इंक्स... ये एक्स्ट्रा सॉकेट लगाया गया है यहाँ से वायर लगा के इसके अंदर से नीचे 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 इसके अंदर से ये आया यहाँ पे फिर यहाँ पे ये टेप मार के इसको बांध दिया गया है और यहाँ पे ये चार्जर लगे हैं और इसके अंदर भी मेरी कुछ चीज़ें रखी हैं जैसे कि तेल साबुन शैम्पू जो नॉर्मल यूसेज की चीज़ें हैं वो रखी हैं बस यही है रूम और यहाँ पे थोड़ी सी जगह ज़्यादा क्यों है क्योंकि यहाँ पे बाथरूम और किचन नहीं है अलग है कि बाथरूम इस साइड में है इसके पीछे बाथरूम है और इस साइड के पीछे किचन है इसलिए पूरा रूम सेफ हो जाता है तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं हो मेरा कपड़ा रखने की भी जो अलमारी है मेरी और वो जो आदमी रहता है मेरे साथ उसकी दोनों की अलमारी बाहर रखी है ताकि ये जो जगह है ये जिस सेफ बच सके ये जगह इतनी है ये सेफ़ बच सके यहाँ पे तकरीबन चार से छः लोग आराम से बैठ के खाना खा सकते हैं और किसी को जैसे एक्स्ट्रा कोई आ गया तो लेट भी सकता है यहाँ पे अच्छी जगह है यहाँ पे पड़ी है और ये यहाँ से निकल यहाँ से एंट्री होती है आना जाना ये दरवाज़ा है ये है कोवैत में मेरा रूम मुझे तकरीबन तीन साल कम्प्लीट हो गए मेरा दूसरा सफ़र है यहीं लेटता हूँ मैं जब भी तीन साल मैंने ये बेड में निकाले अभी मैं दिखाता हूँ आप लोगों को चढ़ के भी कैसे जाता हूं ऊपर कैसे लेटता हूँ चढ़ के दिखाता हूँ यहां से ऐसे चढ़ेंगे ऐसे करके और ये ये ऐसे करके लेट गए ये एक आदमी के लेटने का हो गया कोई कोई डायरेक्ट सीढ़ी से उतर मैं जंप कर देता हूँ नीचे सीधा मैं जंप कर देता हूँ और एक आदमी के लिए यहाँ पे गए नीचे ये लेट गया एक आदमी और एक आदमी ऊपर यहाँ से सीढ़ी चढ़ के जाना पड़ता है बस यही है इतना सा रूम है ये मेरा ये मेरा कोहित में रूम है इ, मैं ये वीडियो इसलिए बनाया ताकि जो लोग आना चाहते हैं वो लोग देख लें कि यहाँ पे ऐसा रूम मिलता है किसी को ऐसा भी मिल सकता है किसी को इससे बेहतर भी मिल सकता है किसी को इससे बुरा भी मिल सकता है किसी को इससे बड़ा भी मिल सकता है किसी को इससे छोटा भी मिल सकता है ये ज़रूरी नहीं है कि ये ऐसा ही मिलेगा सेम टू सेम ये ज़रूरी नहीं है उस इससे अच्छा भी हो सकता है इससे बुरा भी हो सकता है इससे छोटा भी हो सकता है इससे बड़ा भी हो सकता है या आने के बाद पता चले अगर आप लोग गल्फ आना चाहते हैं गल्फ से मेरा मतलब है कोयत कतर सऊदी दुबई कहीं पे भी आना चाहते हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं मैं गल्फ से रिलेटेड जानकारी और व्लॉग्स लाते रहता हूं अपने चैनल पे। तो जो लोग आना चाहते हैं उनको काफ़ी जानकारी हो जाएगी वो किसी भी जॉब में आना चाहें उन लोगों के लिए काफ़ी हद तक जानकारी मैं प्रोवाइड करता हूँ अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझे मैसेज करे मेरे इंस्टाग्राम में मैं डिस्क्रिप्शन में अपना इंस्टाग्राम का लिंक दे दूंगा मैं पर्सनली बता दूंगा कि भाई हाँ इसका ये सलूशन है इसका ये सोलूशन है काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं मैंने सबको रिप्लाई दिया है एक एक इंसान को मैं रिप्लाई देता हूँ ठीक है तो बस आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में